हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जमा दो कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए कहा कि जमा दो के तीनों संकायों की परीक्षा में 86,633 परीक्षार्थी बैठे थे, जिनमें से 65,654 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 9,391 परीक्षार्थी कंपार्टमेंट घोषित किए गए तथा परीक्षा परिणाम 76.07% रहा। उन्होंने कहा कि इस बार का परीक्षा परिणाम पिछले वर्ष की अपेक्षा 14.06% अधिक है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा 10वीं व 12वीं का रिजल्ट सबसे पहले घोषित किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों में 43,410 छात्र थे, जिनमें से 31,439 पास हुए हैं, जबकि 42,898 छात्राओं में से 34,215 पास हुई हैं। डॉक्टर सोनी ने कहा कि इस बार की जमा दो के तीनों संकाय की मेरिट लिस्ट में 83 परीक्षार्थियों ने जगह बनाई है, जिनमें 65 छात्राएं और 18 छात्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस बार 46 सरकारी तथा 37 निजी स्कूलों के छात्रों ने मेरिट में जगह पाई है। उन्होंने कहा कि मेरिट लिस्ट में इस वर्ष का कला संकाय में पहला स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के 98.02% अंक तथा 10वां स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के 95.06% अंक हैं। इसी तरह वाणिज्य संकाय में प्रथम स्थान पर 97.06% तथा 10वें स्थान पर रहने वाले छात्र के 95.02 और विज्ञान संकाय में प्रथम स्थान हासिल करने वाले छात्र के 99.04% तथा 10वें स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी के 97.06% अंक हैं। इस परिणाम में ओवरऑल टॉपर जिला कुल्लू का छात्र प्रकाश कुमार पुत्र राकेश कुमार रहा। प्रकाश ने 99.4% अंक हासिल किए व साइंस स्ट्रीम में भी टॉपर रहा। प्रकाश कुमार कुल्लू साइंस स्कूल ऑफ एजुकेशन ढालपुर का विद्यार्थी है। साइंस की बात करें तो टॉप 10 में 34 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है, जिसमें 20 छात्राएं और 14 छात्र हैं। जमा दो की आर्ट्स स्ट्रीम में शिमला जिला की श्रुति कश्यप पुत्री भुवनेश कश्यप प्रथम रही। श्रुति ने 98.2% अंक हासिल किए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्रा रामपुर बुशर की छात्रा है। आर्ट्स स्ट्रीम में टॉप 10 में कुल 26 विद्यार्थियों ने जगह बनाई, जिसमें 24 लड़कियां और 2 लड़के शामिल हैं। कॉमर्स में सिरमौर की मेघा गुप्ता पुत्री बलजिंद्र कुमार ने 97.6% अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्रा नाहन की विद्यार्थी है। कॉमर्स के टॉप 10 में कुल 23 विद्यार्थी हैं, जिनमें 21 छात्राएं और 2 छात्रों ने जगह बनाई है। आज 18 जून को 10 जमा 2 का परीक्षा परिणाम हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया है। गत वर्ष ये परिणाम 22 अप्रैल को घोषित किया था। आप सभी जानते हैं कोविड-19 के कारण ये काम हो नहीं सका, थोड़ा डिले हुआ था, लेकिन फिर भी जमा दो के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया है। कुल विद्यार्थियों की जो रेगुलर नियमित विद्यार्थी उनकी संख्या 86,633 थी, जिनमें छात्रों की संख्या 43,410 और छात्राएं 42,898 थी। यानी छात्राओं की संख्या जो परीक्षा में प्रवेश लेने वाले थे उनकी कम थी। और यदि परीक्षा के परिणाम को देखें तो 76.07% रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में यह बहुत ही बेहतर रहा है। इतना बेहतर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले वर्ष 62.01% था, यानी 14% से भी ज्यादा रिजल्ट जो है इस बार ज्यादा रहा, अच्छा रहा। इसके दो कारण मैं एक कह सकता हूं कि बच्चों ने पढ़ने के लिए मन बनाया है, और साथ ही मैंने एक और कारण है कि नकल कम हुई है। जब नकल कम, पिछले वर्ष हमने बड़ी सख्ती की थी तो बच्चों को लगा कि अब भी सख्ती होगी तो पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना चाहिए, तो शिक्षकों ने भी इसमें योगदान किया है। और कुल 86 नकल के मामले हैं, यानी 4.5 लाख के करीब स्क्रिप्ट्स थी, जिनमें 4.5 लाख से आंसर शीट से केवल 86 आंसर शीट पर नकल के मामले बने हैं। बहुत ही निगलिजिबल हो गया है। तो
इसमें जो कुल विद्यार्थी हैं जिन्होंने मेरिट में स्थान बनाया है, चाहे वो आर्ट्स में है, कॉमर्स में है या साइंस में है, तो 83 विद्यार्थी हैं, 83। इसमें छात्राओं की संख्या जो है वो 65 है और छात्रों की संख्या जो है वो 18 है। अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो बेटियां हैं कितना बेहतर एकेडमिक्स में पढ़ाई में कर रही हैं। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके शिक्षकों, अभिभावकों और पूरे के पूरे समाज को इसके लिए शुभकामनाएं कि बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं। एक और हाईलाइट जो है वो ये है कि जो सरकारी स्कूल हैं उन्होंने भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है। सरकारी स्कूलों में 46 विद्यार्थी हैं जिन्होंने की मेरिट में स्थान बनाया है और जो निजी स्कूल हैं उन्होंने 37 मेरिट में ऐसे विद्यार्थी हैं, तो ये बहुत ही अच्छा परिणाम हम कह सकते हैं वो रहा है।